नमस्ते दोस्तों, मेरे YouTube चैनल राधा स्वादा में आपका स्वागत है। आज हम होली के लिए कुछ स्पेशल बनाएंगे, जो है आलू के लच्छा नमकीन। ये खट्टी मीठी होती है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं, और ये बहुत ही आसानी से बन जाता है। इसे आप ज़रूर ट्राई करें इस होली में। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। आलू का खट्टा मीठा लच्छा नमकीन बनाने के लिए हम 3 आलू लेंगे यहाँ पे, जिसका छिलका उतार लेंगे। और यहाँ पे मैंने लिया है लगभग आधा कप से थोड़ा सा कम बादाम, और हम लेंगे 1 बड़ा चम्मच किशमिश, और यहाँ पे मैंने आधी छोटी चम्मच से भी कम चाट मसाला लेंगे, और आधी छोटी चम्मच नमक लेंगे, और 1 बड़ा चम्मच मैंने यहाँ पे पिसा हुआ चीनी लिया है। तो चलिए हम आलू की लच्छा नमकीन बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले आलू को कद्दूकस करना होगा। तो हम एक प्लेट ले लेते हैं, और इसमें हम कद्दूकस करेंगे आलू को। मैं इस कद्दूकस का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास इससे बड़ा वाला होल का कद्दूकस है, तो आप उसमें भी आलू को कद्दूकस कर सकते हैं, बट मेरे पास यही अवेलेबल था, तो मैं इसी से कद्दूकस कर रही हूँ। देखिए, आलू का इस तरह से लच्छा बनना चाहिए। तो हम चलिए सारे आलू को कद्दूकस कर लेते हैं। मैंने सारे आलूओं को कद्दूकस कर लिया है। अब हम इसे धोएंगे। तो एक बाउल में हम पानी लेंगे, और इसमें हम सारे कद्दूकस किए हुए आलू को धोएंगे, जिससे आलू में जो स्टार्च है वो निकल जाए। तो हम सारे आलू को डाल देते हैं पानी में, और इसे अच्छे से धोएंगे। आलू में अगर स्टार्च रह जाएगा तो हमारा नमकीन अच्छा नहीं बनेगा, इसीलिए हमें इसे अच्छे से धोना ज़रूरी है। इसे हम एक बार और धोएंगे। आलूओं को मैंने 2 बार अच्छे से धो लिया है, और स्ट्रेनर से पानी को ड्रेन कर लिया है। अब हम इसे साइड कर देंगे, और एक प्लेट में हम टॉवल या फिर कोई भी कॉटन का कपड़ा लगाएंगे इस तरह से, और इस पे हमारा जो आलू का लच्छा है उसे हम फैला देंगे इस तरह से। इस तरह से हम आलू के लच्छे को फैला देंगे, और ऊपर से हम टॉवल से इस तरह से प्रेस करेंगे, ताकि आलू में जो एक्स्ट्रा पानी है वो टॉवल एब्जॉर्ब कर ले। इस तरह से हम फिर से इसे फैलाएंगे और फिर से प्रेस करेंगे। देखिए, आलू हमारा लगभग ड्राई हो चुका है। अब हम इसे फैला के इस तरह से 15 से 20 मिनट इसी तरह से छोड़ देंगे, ताकि आलू हमारा और ड्राई हो जाए। 15 मिनट के बाद देखिए, आलू बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं। मैंने इसे प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। तेल मैंने गरम करने के लिए चढ़ा दिया है। तेल हमारा गरम हो चुका है। हम एक लच्छा डाल के देखते हैं। देखिए, तेल हमारा परफेक्ट गरम है। अब हम थोड़ा सा लच्छा उठाएंगे और इस तरह से तेल में फैला देंगे, और इसे हम फ्राई होने देते हैं। आलू के लच्छे हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाए, उसके बाद हम इसे टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे। तो चलिए इसे हम फ्राई होने देते हैं। अब देखिए, हमारे लच्छे थोड़े से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। तो अब हम इसे एक टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे। सारा हम इस तरह से निकाल लेंगे, और अब हम फिर से इसमें आलू के लच्छे डालेंगे, और इसे भी हम फ्राई होने देंगे। देखिए, मैंने सारे आलू के लच्छे को फ्राई करके निकाल लिया है, और अब हम इसमें जो हमारा बादाम है उसे भी हम फ्राई कर लेंगे। तो हम बादाम डाल देते हैं तेल में, और इसे भी हम फ्राई होने के बाद निकाल लेंगे। बादाम भी हमारा फ्राई हो चुका है, इसे भी हम निकाल लेते हैं। देखिए, मैंने आलू के लच्छे और बादाम को फ्राई कर लिया है। अब हम इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे। बाउल में मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे किशमिश। किशमिश आप ऐसे भी डाल सकते हैं, नहीं तो इसे फ्राई करके भी डाल सकते हैं। किशमिश ऐसे ही टेस्ट अच्छा लगता है। अब हम इसमें डालेंगे नमक। नमक हमें बिल्कुल थोड़ा सा डालना है। और अब हम इसमें डालेंगे चाट मसाला, और अब हम इसमें डालेंगे पाउडर चीनी। मीठा का स्वाद आप अपने अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं। मैं इसमें पहले थोड़ा सा ऐड करूँगी, फिर
फिर इसे मिक्स करेंगे इस तरह से। इसे आप हाथों से मिक्स ना करें नहीं तो लच्छे टूट जाएंगे। तो आप इसे इस तरह से मिक्स करें और अब हम इसमें थोड़ा सा और चीनी ऐड करेंगे और इसे मिक्स कर देंगे। देखिए सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब हम इसमें प्लेट में सर्व करेंगे इसे। देखिए दोस्तों हमारा बहुत ही स्वादिष्ट आलू का खट्टा मीठा लच्छा नमकीन बन के तैयार है। ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है खाने में। इसे इस होली में ज़रूर बनाएं और इंजॉय करें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि कैसा आपका नमकीन बना है। रेसिपी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसे अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक यू।